तो बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है, तो दीदी आप बताइए ना, आपकी शादी कैसे हुआ है, आपकी शादी कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो में पूरा बताऊंगी, आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, मैं बता रही थी जब मेरी शादी कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो आप लोग यही जानना चाहते हैं ना, तो मैं डिटेल में बताती हूँ। मेरी शादी 2019 में, जब मैं मैट्रिक की एग्ज़ाम दे दी और मैट्रिक का जब मेरा रिजल्ट आ गया, तो मेरा जो नंबर आया था मैट्रिक में 385 नंबर आया था। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास की थी मैट्रिक, और उसके बाद इंटर में एडमिशन हुआ था, और उसके बाद मैंने लव मैरिज शादी की थी, क्योंकि मेरे भी पीछे कुछ मजबूरियाँ थी, और मैं जो वो है वो सात भाई बहन थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में या फिर कपड़े पहनने में, मतलब बहुत दुख होती थी। इसलिए मैंने क्या किया, लव मैरिज शादी कर लिया। और लव मैरिज शादी करने का नतीजा ये हुआ, मेरे पापा बिल्कुल ही मुझसे नाराज़ हो गए, बिल्कुल ही मुझसे नाराज़ हो गए। मेरे शादी आज होने जा रहा है 5 साल, मतलब हो गया है कंप्लीट, 6ठा साल है वो चल रहा है, लेकिन आज तक कभी गलती से भी मेरे मायके का फ़ोन नहीं आया। चलो कभी पूछ लेती हूँ, मेरी बेटी जीवित है या फिर मर भी गई है। दोस्तों, आप लोगों से बता दूं, मेरे मम्मी पापा है कुछ अलग ही ढंग के, उनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, हर लोग नहीं समझ सकते हैं। मतलब बहुत से अभी लोग ऐसे माहौल ही हो गए, सब लोग लव भी मैरिज कर रहे हैं आज देखो तो, वो और सोशल मीडिया पे जाकर आज देखिए वो परसों वो तरसों, मतलब हर दिन यही आ रहा है। देखिए फिर मुस्कान पटेल और आलोक पटेल को, दोनों लोगों को, ये दोनों के पापा मम्मी कितने अच्छे हैं, किस तरह जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिए। और एक मेरे मम्मी पापा हैं जो शादी के 5 साल हो गए, फिर आज तक कभी कॉल भी नहीं आया मेरे, जो मैं जीवित हूँ या फिर मर गई हूँ। रीज़न ये था, जो मेरे मम्मी पापा है थोड़े बड़े हैं, और यहाँ मेरा ससुराल है वो गरीब है, मेरे मम्मी पापा मजदूर, मतलब मेरे सास ससुर जी हैं वो मजदूरी करते हैं, और उसी में हम लोग खाते हैं, और मेरे पास कोई ज़मीन जता नहीं, मजदूरी करते हैं और खाते पीते हैं बस, इसी के कारण मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं एक्सेप्ट किया, ना आज तक कभी कॉल किए। तो आप लोगों से मैं जवाब चाहती हूँ, आप लोग कौन सी शादी को अच्छा समझते हैं, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तो मैं लव मैरिज करके पछता नहीं रही हूँ, खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे घर वाले मुझसे बहुत नाराज़ हैं, इसलिए तो मैं बहुत गरीब हूँ। तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला, कभी ऊपर वाले की कृपया होगी तो सक्सेस मिलेगी, तो आज नहीं तो कल हम भी कभी बड़े बनेंगे, और मेरे मम्मी पापा है वो देखेंगे जो हम लोग आगे निकल रहे हैं। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा के बारे में इतना नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे जन्म दिए हैं, पोसे हैं, पाले, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन आप लोग, मेरे मम्मी पापा जैसे भगवान किसी को माता पिता ना दे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को समझना बहुत मुश्किल है, इतना बेदर्दी इंसान कोई नहीं हो सकता जितने बेदर्दी मेरे माता पिता हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग मम्मी पापा इतना दिन नाराज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। बहुत हुआ 2 से 3 साल, इतना नहीं, मेरे साथी को अब जून आएंगे ना, 6 साल पूरे जाएंगे, फिर आज तक कभी कॉल भी नहीं है, और किसी ने कुछ बोलता भी तो मुझे गाली ही देते हैं, मतलब इतने हम लोग घटिया हो चुके हैं लव मैरिज शादी की इस वजह से। तो आप लोग तो, मतलब कितने सारे लोग सब तो लव ही मैरिज कर रहे हैं, तो क्या सब गलत ही हैं, ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी निभाना हम लोगों का है, तो ज़िंदगी का फैसला लेना भी तो हम लोगों का बनता है ना। ज़िंदगी तो मुझे कटाना, ज़िंदगी कैसे जीना है नहीं जीना है वो तो हम लोग को ही करना है, वो मम्मी पापा को तो नहीं रहना है। तो मुझे जहाँ अच्छा लगा मैंने कर ली, इसलिए मुझसे सब लोग नाराज़ हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं अपनाया, मैं ससुराल में ही रहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा जो लाते हैं वो खाते हैं, और मैं खुशी से रहती हूँ। और बस आप लोगों के लिए यही छोटा सा वीडियो था, तो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।